मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए सब। और आज इवन दूता का म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है हर प्रोड्यूसर और पूरी टीम के लिए। तो मैं दिल से बड़ा खुश हूँ आज कि हमारी फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है और मधुश्री जी आई हैं, काफ़ी इससे काफ़ी इंप्रेशन पड़ेगा मूवी को। और बाकी ये मूवी का बैकग्राउंड जो है ये एलियंस के ऊपर है, पंजाब में एलियंस लैंड करते हैं, क्या होता है, पंजाब के लोग उनको कैसे समझते हैं। तो एलियंस वाली हालांकि पहले काफ़ी बड़ी फिल्में आई हैं, ये उतनी बड़ी फिल्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसका जो दिल से मैं बताऊँ तो VFX वगैरह जितना भी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छे सही बजट में काफ़ी कुछ हुआ है। इब्ने बतूता जो नाम है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। हाँ जी, लाइक व्हाई इब्ने बतूता? एक्चुअली इब्ने बतूता जो थे वो मोरक्को के एक मोरक्को के ट्रैवलर थे, तो सबको पता है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने घूमते फिरते रहे। तो एलियंस जो हैं वो उनका भी यही है, वो कभी मैंने सुना कि वो टिकते नहीं है, कभी हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर। तो उन्हीं घूमते हुए किस तरह वो पंजाब में लैंड कर जाते हैं, पंजाब के एक गाँव में लैंड कर जाते हैं। तो इसमें एलियंस का नाम इब्ने और बतूता है, दो एलियंस दिखाएंगे, एक फीमेल और एक मेल। एंड जिस तरीके से आज का म्यूजिक लॉन्च होने जा रहे हैं, हमने सुना था कि रवि जी आ रहे हैं, लॉन्च करेंगे, चीफ गेस्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो कितने एक्साइटेड रवि जी आ गए? नहीं, रवि जी बहुत बड़े स्टार हैं और मैं सच में रवि जी का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ। तो अब रवि जी आ रहे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले उनसे मिला भी था शूट में, पंजाब की एक मूवी थी तो वहाँ पे हम मिले थे। तो रवि जी ने मुझे कहा था कि वो जरूर आएंगे, वो शायद आने वाले हैं जहाँ तक मेरा आइडिया। तो रवि जी आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आज इब्ने बतूता का म्यूजिक लॉन्च है, मधु जी आपसे किस तरीके से एसोसिएट कर रही हैं आज फिल्म के साथ? कह सकते हैं कि मैं पहली बार आइटम सॉन्ग गाया और बहुत अच्छा लगा कि एक अलग टाइप का सॉन्ग है। और तरन्नुम जो म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया उन्होंने। मैं पहले कह रही थी मैं नहीं गाऊंगी, आप ही गा लो, इतना अच्छा गाते। बोले नहीं नहीं, बहुत वी वांट दैट यू विल सिंग। तो मैंने कोशिश किया और इट्स साउंडिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। और इब्ने बतूता फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, इसमें एलियन है, आप लोग देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। जैसे आपके म्यूजिक की बात करें, सिंगिंग की बात करें, तो आइटम सॉन्ग आजकल जो है वो काफ़ी भड़कीले होते हैं और हमने आपके जो गाने सुने वो बड़े सॉफ्ट रोमांटिक टाइप है, कितना डिफिकल्ट रहा आपने जॉनर से बाहर आकर गाना गाना? दिस नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आई एम वर्सेटाइल। मैंने साउथ में करीब 60 सॉन्ग्स मैंने तमिल गाया, लेकिन जिसमें करीब 15-20 मैंने आइटम गाया, सुपर हिट था। हिंदी में मैंने बहुत कम गाया, एक पार्टी सॉन्ग गाया माही वे तेरे माथे जो, उस टाइप के गाया, लेकिन फुल फ्लेज आइटम जो है इस फिल्म में मैंने गाया। लेकिन इसमें शब्द बहुत अच्छा है और कोई वल्गरिटी नहीं है, पैपी है, बहुत अच्छा है। और उनको चाहिए था कि मैं गाऊं, तो अच्छा लगा, एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ऑलवेज आप लोग जानते हैं मैं हमेशा सॉफ्ट रोमांटिक नंबर गाती हूँ, तो अच्छा लगा, ये एंजॉय द सॉन्ग। दो लाइन गाएंगे हमारे लिए आप, हमें भी पता चले किस तरीके का पैपी सॉन्ग है, क्या होने वाला गाने में, तो आप जज करेंगे उसमें कैसे? नहीं, जज नहीं करेंगे, हम लोग सुनना चाहते हैं आपके। रात भर मेरी फिकर, रात दिन मेरी फिकर न ले, भूल जाए वो कह कर ना ले, रात दिन मेरे फिकर न ले, भूल जाए वो कह कर ना ले, चैन से दो घड़ी भर ना ले, हर नरी लव। इस टाइप के मतलब गाने में जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड दिया गया, अभी मुझे थोड़ा सा सबको देख के घबराहट हो रहा है, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा, एलियन के ऊपर बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, एलियंस को दिखाया, मगर क्या आपको लगता है कि एलियंस जैसा बड़ा प्रोजेक्ट इस तरीके से बन सकता है इंडिया में भी इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाया जा सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो प्रोड्यूसर देव है, मैं उनको दाद दूंगी, उन्होंने एलियन के ऊपर पहली बार फिल्म बनाया और गांव के ऊपर, जैसे गांव में एलियन आया है, और थोड़ा कॉमेडी है, एक्शन है, सो ब्यूटीफुल, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।